वेलकम टू टाइम्स पंजाब शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा. यस, वी आर हेयर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू द प्रोड्यूसर ऑफ अपकमिंग मूवी बैंड बाजे. सो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स मीट मिस पूजा गुजराल. तो लेट्स शेयर सम वंडरफुल मोमेंट्स विद हर. हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी. थैंक यू जी, सत श्री अकाल. थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम एंड सारे दर्शकों टाइम्स पंजाब वालों बहुत बहुत सत श्री अकाल मेरे वालों. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वी वॉन्ट योर इंट्रो इन योर वर्ड्स, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. वेल, ज़्यादा लंबा तो नहीं देंगी, आई गिव यू क्विक ब्रीफ ऑन मी. मैं बैंड बाजे प्रोड्यूस की है, तो पहला मैं ननकाना प्रोड्यूस की थी, जी गुरदास मान साहब नाल ते कविता कौशिक नाल आई सी. सो दो पंजाबी फिल्मा कीतिया ने. आई एम मिस्टर जतिंदर शाह पार्टनर, जेडे उन्होंने म्यूजिक तुम बहुत सुनते हो, दिलजी दोसांझ भाजी का, गिप्पी गरेवाल भाजी का, अमरिंदर गिल भाजी के काफ़ी म्यूजिक शाहजी करते हैं, उन्होंने मैं पार्टनर हाँ. तो बॉलीवुड में काफ़ी काम किया है, मैं मिस्टर अजय देवगन ते कुमार मंगत दे नाल 10 साल कड़े ने. आई हैव डन फिल्म्स लाइक 1 2 3 संडे, ओमकारा, टूनपुर का सुपर हीरो, अतिथि, लोड्स ऑफ देम बेसिकली. फ्रॉम हाउ लॉन्ग टाइम यू आर इन दिस प्रोफेशन? मैनू जी हो गए 14 साल, वध ही हो गए हैं, 14 साल मैंने याद. 14 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है आपको? यस, हां जी, हां जी, हां जी. मैम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बॉलीवुड इंडस्ट्री में? बॉलीवुड हैज बीन ब्यूटीफुल. मैं पुणे तो कोर्स करके आई सी, तो मैं मिस्टर जॉन मैथ्यू ने असिस्ट किया सी, जिहड़े जिन्होंने सरफरोश बनाई सी, सॉरी. एंड देन ही आई ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद मिस्टर सुजीत सरकार. सो मेंटर्स हैव बीन वेरी ग्रेट पीपल एंड बहुत वधिया बॉलीवुड का बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा, तो बॉलीवुड का भी वधिया एक्सपीरियंस चल रहा है. तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि बॉलीवुड में भी आप वर्कआउट कर चुके हैं, पंजाबी मूवीज़ के लिए भी आप कर रहे हैं, तो आप कितना डिफरेंस फील करते हैं बॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री में? डिफरेंस बस इन्ना ही का कि इतने असं पंजाबी बोलते हैं, उतने असं हिंदी. जस्ट लैंग्वेज, इट्स जस्ट लैंग्वेज. अदरवाइज फिल्म मेकिंग तो वही प्रोसेस है, उतनी मेहनत लगती है, उतने ही शिद्दत, उतनी ही यू नो अपना मोटिवेशन एंड पावर लगती है. सो दैट वर्क वाइज इट्स द सेम, बट इट्स जस्ट दैट इट्स अ लैंग्वेज डिफरेंस, दैट्स इट. तो मैम, अभी जैसे मूवी आ रही है, आपने प्रोड्यूस की है बैंड बाजे, इट्स अ कॉमेडी मूवी, तो इसके बारे में आपको शेयर कीजिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको वाइल शूटिंग ऑफ दिस मूवी? एक्चुअली बहुत मज़ा आया, बिकॉज कॉमेडी फिल्म जब आप शूट करते हो तो आप शूट पे इतना हंसते रहते हो. सो एंड द स्क्रिप्ट इज़ सो ब्रिलियंट कि हम एक्चुअली कई बार शूट करते करते हमें शूट रोकनी पड़ती थी, बिकॉज हम हंस पड़ते थे. मैंडी कई बार सीन करते करते मैंडी ने ना मुँह ऐसे कर लेना, साइड पर ऐसे कर लेना, तो समीपा जी ने बोलना, जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि आप इधर उधर क्यों देख रहे हो, आपका फेसिंग चाहिए कैमरे को. और वो कहती थी मेरे को इतनी हंसी आ रही है सीन करते करते कि मैं मुँह इधर कर लेती हूँ ताकि पता ना चले. सो इट वॉज सो फनी, और हमने काफ़ी बार एक्चुअली शूट रोकी है क्योंकि हम हंस रहे थे, एंड वी हैड टू स्टॉप अस एंड से अच्छा लेट्स कॉन्सेंट्रेट. सो बहुत मज़ा आया. शूटिंग टाइम पे आपने अपना हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर लिया? हाँ जी, बहुत बढ़िया से. एक तो हंसी वाली फिल्म थी, ऊपर से हम यूके में शूट की है काफ़ी फिल्म, तो वहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत था, तो इट वॉज परफेक्ट. गाने बहुत खूबसूरत है पिक्चर के, सो आई थिंक वो भी एक था मोटिवेशन कि जब भी हमने गाने शूट किए हम खुद ही नाचने लग जाते थे. इट वाज नाइस. एज यू सेड अर्लियर, यू आर फ्रॉम मोहाली, योर बर्थ प्लेस इज मोहाली? एक्चुअली मेरे फादर साहब एक्स आर्मी हैं, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को घूमी हुई हूँ. मेरा बर्थ प्लेस तो मध्य प्रदेश है, बट मैं मेजरली बॉम्बे में रही हूँ, बट हूँ मैं मोहाली से, मेरे पेरेंट्स मोहाली रहते हैं. तो पंजाब से आप कितना दिली रूप से अटैच है? अगर 110, नॉट 100, 110, मतलब कि मेरा बस चले तो मैं बॉम्बे छोड़ के यहाँ आ जाऊँ. ओह दैट्स ग्रेट मैम. तो और कुछ बताइए, अब इसके बाद आप की कौन कौन सी मूवीज़ आने वाली हैं, और आपने जो अब तक मूवीज़ की हैं, आपको कॉमेडी मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आगे भी आप चाहेंगे कि कॉमेडी मूवीज़ ही आप प्रोड्यूस करें आने वाले टाइम पे? आने वाले टाइम पे हाँ जी, हमने एक्चुअली एक फिल्म ऑलरेडी अनाउंस की हुई है गिप्पी भाजी नाल, गिप्पी गरेवाल भाजी नाल, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज इट्स अ ग्रेट, द स्टोरी इज अमेजिंग, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. बाकी हाँ जी, कॉमेडी आई थिंक इज वेरी नाइस जॉनर, बिकॉज मैं पर्सनली इस जॉनर को इन्जॉय करती हूँ, एंड आई फील इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है कि मेरे को थिएटर जब जाना है तो मैं डी स्ट्रेस होकर आना चाहती हूँ वापस. तो इट्स माई फेवरेट जॉनर, मुझे समझ आ गया है. बाकी चीज़ें हाँ मुझे पसंद हैं, बट मेरा अगर आप कहोगे बहुत फेवरेट तो यही जॉनर है, तो आई वुड लाइक टू रिपीट दिस जॉनर. दैट्स ग्रेट मैम. दिस मूवी इज रिलीजिंग टुमारो, तो वी वॉन्ट टू प्लीज़ अपील टू ऑल व्यूवर्स,
गो एंड वॉच दिस मूवी एंड गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू दिस मूवी. हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी कि मैं सितंबर 2018 में लास्ट चैन से सोई थी क्योंकि हम ये फिल्म बना रहे थे. okay. उसके बाद शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन सब. तो अब मैं 15 मार्च को चैन से सोना चाहती हूँ फिर से, तो मेरी मदद कीजिए प्लीज़. हमारी फिल्म जाके देखिए 15 मार्च को, जो कल है, रिलीज़ हो रही है. आई प्रॉमिस यू आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे. इट्स अ टोटल टोटल फन फिल्म. बच्चे बुजुर्ग साथ में लेके जाइए. बहुत क्लीन फिल्म है, कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि टोटली फैमिली एंटरटेनमेंट. एब्सोल्युटली फैमिली एंटरटेनमेंट. आई मीन बच्चे भी इंजॉय करेंगे और बुजुर्ग भी इंजॉय करेंगे और हम यंगस्टर्स भी इंजॉय करेंगे. तो प्लीज़ हमारी फिल्म देखिए बैंड बाजे 15 मार्च से. थैंक यू सो मच मैम अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए. तो ये थे हमारे साथ बैंड बाजे की प्रोड्यूसर मिस पूजा गुजराल, जिन्होंने हमसे शेयर किया इस मूवी के बारे में कि किस टाइप की मूवी है ये. उन्होंने शेयर किया इट्स कम्प्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी. तो आप सब जाइए कल थिएटर्स में. दिस मूवी इज गोइंग टू रिलीज ऑन 15th March 2019. गो एंड सपोर्ट एंड गिव योर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू दिस मूवी. कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी.